हजरात थे और सारे लोग अपने रंग में आए थे। हम यार जो नबी का गुलाम होता वो डरता नहीं है। मैंने ये शेर पढ़ा रजा का जब अहमद, मैंने ये सुना और पढ़ा जब गौसे आजम के कुत्ता शेर को खतरे में नहीं गिराता। उनका गुलाम देरों से क्या डरेगा। मैं गया और ज्ञान वो मैं तारीख बयान की। मैंने कहा सुनो, आप मेरी किताब ना पढ़ो, ना तौरात पढ़ो, ना ज़बूर पढ़ो, ना इंजील पढ़ो, ना कुरान पढ़ो। आपके सीने में दिल है, आप अपने धर्म की किताब भविष्य कुरान पढ़ो। क्या पढ़ो? भविष्य कुरान पढ़ो। किताब का नाम भविष्य कुरान है, खंड नंबर 3 है और मंत्र नंबर 25, 26, 27 का एक चैप्टर मैंने सुनाया। कहा सुनो तेरी किताब क्या कहती है, कहती है गति लिंग छवि शकाही संग तन संपूर्ण धारी अच्छा सी सर्वजी भविष्य की जन्म मुस्लिम संस्कार किशोरी भविष्य। कहता तुम पहले बाद में मुसलमान बने, पहले नवा को बुलाए कटवा लिए। तू उनकी किताब में क्या जिक्र किया? कहता लिंग छवि शकाही संग तन संपूर्ण धारी। कहता जो जगतपति नबी होंगे मोहम्मद होंगे लिंग छदी शकाई संगतन वो खतना शुदा पैदा होंगे। अब मुझे बताओ मेरे नबी को किसी ने खतना किया? नहीं किया। ना भी किसी ने काटा? नहीं काटा। पीरे तरीकत रहबरे शरीयत जलवा फरमाए, कर्म नवाजी करेंगे। इनसे पूछिएगा हुजूर वाला सारे अंबिया आए, खतना बाद में हुआ। रब ने मेरे नबी को पैदा किया तो खतना शुदा क्यों पैदा किया? रब जानता था, रब को मालूम था, रब ने दुनिया को बता दिया। ओ दुनिया वालों, अगर रब खतना शुदा ना पैदा, रब अगर मेरे नबी को खतना शुदा ना पैदा करता, ना बुरी ना पैदा करता। आपके कुछ लोग कहते नबी नाई के मोहताज है, नबी दाई के मोहताज है। रब ने बता दिया जो मेरा नबी होगा, जो मेरा रसूल होगा वो किसी का मोहताज नहीं, सारा जमाना मेरे नबी का मोहताज होगा। लिंग छदी शकाई संगतन संपूर्ण धारी। वो नबी क्या करेंगे? दूर से पूछे, जब हवाई जहाज का सफर होता है टोपी उतारा जाता है, दाढ़ी पर चेक की जाती है, सारे तरफ कपड़े उतार दिए जाते हैं, सदर उतारो, कपड़े उतारो, क्यों? ये देखकर। मैं कहता हूँ इसका जिक्र भी तेरी किताबों के अंदर है। क्या लिंग सदिश का संगतन संपूर्ण भाई अचलस सर्वजी भविष्य की जन्म मुस्लिम संस्कार किशोरी भविष्य। कहता जो जगतपति मोहम्मद होंगे लिंग छदि शकाई वो खतना शुदा होंगे, ना पुईदा होंगे, संपूर्ण धारी वो पीछे जट्टा नहीं रखेंगे, संपूर्ण धारी वो दाही रखेंगे। अचरासी सर्वची भविष्यति जन्मम, सारे अंबिया पहले आएंगे तो अंबिया कहलाएंगे, रसूल कहलाएंगे, अवतार कहलाएंगे, वो सबसे आखिर में आएंगे तो कल भी अवतार कहलाएंगे। अचलासी सर्वजी भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्यति। वो इस्लाम धर्म की प्रचार करेंगे, वो पूजा कैसे करेंगे? घंटियां बजाएंगे या अजान देंगे? कैसे करेंगे? कहता प्रथम कार कम चे दूत ये दंड मोचते तृतीय कुंडल कार चतुर्थम अधोर चंद का पंचम सियम तथी दुरीकम। वो जब नमाज का इरादा करेंगे तो तेरे पंडितों की तरह नहीं करेंगे। ओम कृपा निधा नंबर ज्ञान भरम श्री सिद्धि श्रीकालक भरम रूपम, ये मंत्र नहीं पढ़ेंगे। ख्याल कहीं और होगा, मंत्र कुछ और होगा, लेकिन जब मुसलमानों के तरह नमाज पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे? कार कमचू हाथ ऊपर उठाएंगे, कहेंगे अल्लाह हु अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, निराकार है, निचित है, निरेकार, तू सबसे बड़ा है, तू सबसे बड़ा, तू पालनहार है, तू इबादत के लायक है। धूतिए दंत मूंछते क्या? फिर हाथ को नाभि के नीचे बांध लेंगे, क्या पढ़ेंगे? धूतिए मुंह से खुदा की तारीफ करेंगे, सना सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक वतबारक इस्मिक वतअला जद्दुक वला इलाहा इल्ला अंता। तृतीय कुंडल कार, तीसरा कुंडल बनेंगे। कुंडल का मतलब क्या होता? बोला झुक जाएंगे, झुकने को अरबी में रुकू कहते, बोला झुक जाएंगे, रुकू करेंगे, चतुर्थम अधूर चंद्रम, चौथा सजदा करेंगे, पंचम स्वयं तथी दुरीकम, पांचवा सही को सही के सुखाएंगे और दया को बैठ जाएंगे। दिल में ख्याल करेगा हम अल्लाह को देख रहे थे, अल्लाह हमको देख रहा है। इबादत का तरीका होगा मुस्तफा जाने रहमत। मैंने जब ये मंत्र पढ़ा ना तो हमारे पंडित भाई आए और घर वाला गमछा मेरे गले में डाला, बोले मौलाना अजान दीजिए।
आज जब से मेरी तकरीर वहां होके आई है, अल्लाह का करम है, अजान भी कभी बंद नहीं हुई। भाईचारे का संदेश दिल्ली वालों ने बताया है, और मैं पूरी दुनिया के सारे शहरों से कहता हूँ, या नबी कह के जो सना देता है तेरा हर काम खुदा उसका बना देता है, वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सब को, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता है, वो मोहम्मद के खून आपके प्यार मोहब्बत में हावी है। कसम खुदा की, जिनके दामन जिनके हाथ में हजरत का दामन नहीं है या किसी और का दामन नहीं पकड़े है, मैं गुजारिश करूंगा ऐसे तीन मुकद्दर वालों को मिलते हैं आले रसूल हक मुजहर के खून, जिनके मुकद्दर में मिल जाए कयामत के दिन खुदा पूछे जान आए हो, कायना मेरे मौला मैं नमाजे पढ़ा हूँ, रोजे रखा हूँ, हज किया हूँ, जलसे कराया हूँ, मगर किसी पर भरोसा नहीं, तकरीर करना ये गुस्ताखी से कम नहीं, मेरा किबार में दुआ, मेरा किबार में तौबा इस्तिगफार करता हूँ, कभी गुस्ताखी या तसव्वुर हो गई है मेरा किबार में विदा करता हूँ, सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का प्रमाण है, हमारी लफ्जिशों को माफ फरमाए, हमारी खताओं को माफ फरमाए, पूरा गुनाह में साफ पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तुहुरे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।